कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मौसम अच्छा है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और हम लोग निकले हैं अभी घूमने के लिए। तो दोस्तों आज हम आपको लेके जाएंगे त्रिवेणी संगम पे। ये वो प्रयागराज वाला नहीं है, जस्ट नज़दीक है सूरत के, और वहाँ पे जो है गुजरात का सबसे बड़ा लॉर्ड शिवा का स्टेचू भी है। काफ़ी तेज़ बारिश है तो बारिश का भी मज़ा लेते हैं। चलिए एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। वैसे हम आधे रास्ते में हैं तो आगे की जर्नी अभी तय करनी है, और आप तब तक अंदाजा लगाइए कि आप त्रिवेणी संगम कौन सा है। हालांकि सूरत से ये अप्रोक्स डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं गलतेश्वर महादेव, और चलिए महादेव के दर्शन करते हैं और अंदर जो त्रिवेणी संगम है उसको भी एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये गंगोत्री त्रिवेणी संगम स्नानागार नीचे है, मतलब बढ़िया सा स्विमिंग पूल अभी बंद है। इस तरह का है, 3 स्टेप 4 स्टेप्स में बना हुआ है और डेप्थ वेरी करता है इसका। काफ़ी मज़ा आता है। अभी शायद बारिश की वजह से बंद हो गया है। और गाइस जो ये त्रिवेणी संगम है वो है नारदी गंगा, गुप्त गंगा और तापी मैया का। तो तापी मैया तो अभी फुल पानी काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी हाई लेवल है, और इसीलिए शायद सेफ्टी प्रिकॉशन से उसको बंद कर दिया है नीचे। गौरांग हर हर महादेव। तो भाई ये भगवान जी के स्टेचू के नीचे है 12 ज्योतिर्लिंग। तो चलिए वो भी देख के आते हैं हम लोग। वहाँ उधर से एंट्री है ऐसे। और यहाँ है गुफा का एग्जिट। हालांकि फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अंदर मना है, तो ज़्यादा मैंने ऐसा कवर नहीं किया एक एक ज्योतिर्लिंग को। थोड़ा सा परमिशन के साथ में जितना हो सकता था उतना मैंने कवर किया अंदर। लोगों की आस्था अलग अलग होती है। और यहाँ पे है राम जी का मंदिर। आइए दर्शन करते हैं। तो गाइस गुफा के भी दर्शन हो गए हैं और अभी हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा सीटिंग एरिया है, उसमें थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे और उसके बाद हम घर की तरफ बढ़ेंगे। गाइस ये यहाँ का सीटिंग एरिया नया डेवलप हो रहा है, हालांकि इस समय बंद है तो हम लोग अंदर जा नहीं सकते। 2-3 लोग पहुँच गए, गार्ड बैठा है यहाँ पे, अंदर घुसने से मना किया है, लेकिन हाँ बाद में कुछ समय बाद बोल रहे 5-6 दिन बाद खुलेगा तो तब आई थिंक ज़्यादा मज़ा आएगा, आप अपना अच्छा टाइम बिता पाएंगे। और इधर देखिए तापी मैया बराबर पानी भरा हुआ है फुल। और महादेव के दर्शन और ये बारिश, मज़ा आ गया। आपको मौका मिले तो ज़रूर आइए और इसमें जो पीछे स्विमिंग पूल है उसका मौका मिले तो ज़रूर मतलब एंजॉय कीजिए। शायद 50 रुपीज़ चार्ज है पर पर्सन, बट हाँ वर्थ है और मज़ा आता है उसमें। तो गाइस बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।